दोस्तों इन तीनों बच्चों को मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया। इसमें जो ये येलो वाला है ना, तो ये बहुत हेल्दी हुआ हुआ है, और ये वाइट वाला थोड़ा बहुत है लेकिन ये भी ठीक ही है। लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला है ना, इसकी आप हालत देख रहे हैं, लेकिन सही ग्रोथ अच्छी नहीं हुई भी। तो खैर अभी यहाँ पर ना हमने सेफ्टी भी रखी हुई है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर यहाँ में हाथ से टूटे तो सीधा नीचे ना गिर जाए, तो इस वजह से। तो अभी इसको वापस ये देखें, इसको वापस छोड़ देते हैं, ऐसा ना कुछ हो जाए बच्चों के साथ। दोस्तों अभी आए ना हम अपने टोटो जोजो के पास, यहाँ पर ना हमने ना आज ना इनको जाके एक्सचेंज करवा लेना है, क्योंकि एक तो दोस्तों ये ब्रीडिंग भी नहीं कर रहे, तो बस मेरे पास पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको एक्सचेंज करवा ली जाए और कोई अच्छे से खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन ले आएँ। तो हम यहाँ पर तो ना थोड़ी देर बाद जाएंगे इनको चेंज करवाने, क्योंकि ये ना दोस्तों ये ना डोली में जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर ना हमने कुछ ना कुछ लकड़ियाँ वगैरह जमा कर ली थी, तो आज ना हम इनको काटेंगे और थोड़ा बहुत ना स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो कल जाके हम जाली वगैरह ले आएंगे जो हमने इसके इर्द गिर्द लगानी है, तो बस बहुत काम है अभी, हम ज़रा पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ से लकड़ी को पकड़ लेते हैं एज अ सैम्पल, तो क्योंकि हमने पिंजरा जो बनाना है बिल्कुल हमारे इस पिंजरे के नाप के मुताबिक हो, तो यहाँ पर इसको रखेंगे और तकरीबन यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा और उसके बाद बाकी जितनी भी लकड़ी होंगी उस हिसाब से मैं काट लूँगा। तो यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से देखा जाए ना, तो तकरीबन ना यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पर ना हर लकड़ी को इतने साइज़ का हम काट लेंगे। फिलहाल हम आ चुके हैं हमने पिजन एवरी के अंदर, और आज ना हम इनको बाहर की तरफ निकालने वाले हैं। कुछ तो पहले ही बाहर की तरफ आ गए, वो देखें वो सामने तीन की जोड़ी जा रही है, और बाकी अभी मैं इनको निकालूंगा बाहर की तरफ। तो निकलो निकलो शाबाश, एक निकलो और कुछ यहाँ पर आके बैठ गए। सबसे पहले तो इनको निकालूँ जो क्रेट के ऊपर बैठे हुए, चल ये भी निकल गया, तो बाकी ये थोड़े से रहते हैं इनको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ना इनको भी अंदर की तरफ नहीं रखना। साथ ही चलते हैं और अपने गब्बर को भी खोल देते हैं, पायलट भी बेचारा देख रहा होगा हमारी राहें, तो आज शाबाश गबर, अब छलांग मार लेती भी अकड़ नहीं होनी चाहिए तेरे अंदर। और ये पायलट हमारा किया, और ये कुछ मुर्गे भी गए हमारे, और बल्कि मुझे लगता है कि मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा ताकि हम अपने गबर को बाहर की तरफ निकालें और उसकी बीवी को भी बाहर की तरफ निकालें। चल शाबाश, भागो 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 यहाँ से। फाइनली इस वक्त सारे के सारे बाहर की तरफ आ चुके हैं, और हमारे पिजन ज़्यादातर ना इसी जो काली काली जगह पर है यहीं पर आके जमा हो जाते हैं। और ओह कुछ तो उड़ ही गए यहाँ से, बल्कि दो ही उड़े, और बस ये दोबारा अब लैंड हो जाएंगे। तो ये गए हमारे बिल्कुल उनके अपने पास, साथियों के पास। तो हमारी इस तस्वीर मुर्गी काम चेक करें यार, ये क्या हरकतें कर रही है, फोम खाई जा रही यहाँ पर, शर्म ही नहीं आती इसको। तो अभी इसको हमने यहाँ से भगा दिया, और इस पिंजरे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने असील चिक्स रखे थे, और ये रहा हमारा गब्बर, और बिल्कुल उसी के दो बेटे थे, वो हमने अपने सेटअप पे ले गए हैं, और जो पायलट है वो भी इसी का बेटा है, और वो देखें उसके काम चेक करें दोबारा वहीं पर भागी, भाग यहाँ से। एक तो पहले फॉर्म खा खा के अपना बेड़ा गर्क किया और दोबारा खाई जा रही है, और ये हमारा पायलट है, पायलट साहब क्या हाल है आपका। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर ये मसला है ना, ये मारता है हमारे यहाँ पर पिजन्स को, अब वहाँ पर हमारा बबलू मारता है, यहाँ पर हमारा पायलट मारता है। ये देखिए फिर आ गए, कुछ तो चले गए अंदर के पास यार, क्या करूँ इनका मैं यार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। एक तो ये घास सूख गया है, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं। वो देखिए हमारे राजू रानी लके जो हैं वो जा रहे हैं अपने बॉक्स में, कभी इनका बॉक्स एक होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है, समझ नहीं आ रहा। इनको ना बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ घुमा लिया है, अब इनको बंद करने की बारी आ गई है, क्योंकि ना अभी हम जाएंगे अपने सेटअप पे, वहाँ पर जाके ना, क्योंकि हमने जो पिंजरे का आधा काम छोड़ा हुआ था ना वो भी मुकम्मल करना है, और हो सकता है वो रात को हो जाए, लेकिन बहुत जल्द ना पिंजरा भी बन जाएगा। तो अभी ना हम इन मुर्गियों को बंद कर देते हैं, और वहाँ पर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं और कुछ तो अंदर की तरफ बंद हो गए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो देख रहे हैं। चलो चलो जनाब, चलो चलो चलो, छेती छेती ज़बरदस्त, जाओ सीधा अपने घर के अंदर। ये देख रहे हैं हमारी रियो को यहाँ पर आई हुई है, मैंने ना अभी लकड़ियाँ वगैरह काटी हैं और उनको मैंने बाहर की तरफ रख दिया, ताकि ना वो बाहर की तरफ हैं और अंदाज़ा हो कि क्या कुछ हो चुका हुआ है। तो देखें हमारी रियो यहाँ पर आ गई अंदर की तरफ, तो एक काम करते हैं इसको पिंजरे में डालते हैं और अभी बाहर की तरफ नहीं ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत खजियार मच चुका है, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ये रही हमने जो लकड़ियाँ काट ली हैं बिल्कुल इसके हिसाब से, यहाँ पर 8 लकड़ियाँ इस तरह की पड़ी हुई हैं जो कि हमारी फ्रेम एक बनेगी, और उसको जो होल्ड करने के लिए ना ये 4 लकड़ियाँ, जो एक इस तरह लगेगी, एक यहाँ पर लगेगी, एक यहाँ, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर लगेगी, ताकि ना इसको सपोर्ट मिल सके। और फिर मैंने सोचा ना इसकी बिल्कुल साइडों वाली जगह पे ना हम जाली लगा लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हमारे पास अभी पड़ी हुई नहीं है, और जितनी लकड़ियाँ वगैरह बची हुई हैं उनको हम करेंगे नीचे बेसमेंट, और जो छत होगी वो लगा लेंगे। तो अभी ना मेरे ख्याल से कल तक हो जाना चाहिए तैयार एज अ ढांचा जो फ्रेम बनेगा, और उसके बाद फिर जाली वाला और एक दरवाजे वाला काम रह जाएगा, वो भी बहुत जल्द कर लेंगे।
तभी हम आ चुके हैं ना यहाँ पर असील के पास। ये हमारा असील है, सबर कर जाओ उस्तार, ये इसी का बाप है दोस्तों गब्बर, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया नहीं, और उसका पायलट इसी का भाई है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है बस, ये छोटा है पायलट, ये हमारा छोटा सा असील। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तब हम इनके नाम रखेंगे, अभी फिलहाल तो दी इडियट गएंगे, लेकिन जब हमारा बड़ा हो जाएगा। ये मुर्गा था, और मुर्गी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो बनेगी, ये रही वो मुर्गी, ये देखें ये सामने, क्योंकि मैंने पता करवाया इनका जेंडर तो पता चल गया है कि जो वो वाली है वो मुर्गी है, और जो ये वाला है हमारा ये मुर्गा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताओ ना, ये छुटकू ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमारे ना पिजन्स को भी मारता रहता है। अभी बंटा और बंटी को भी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, आज बंटा और बंटी। ओ हमने अंडा देखना था, अंडा दिया कि नहीं दिया आज इन्होंने, अंडा तो नहीं दिया इन्होंने कहीं पर भी। ये मैंने बाहर, वो देखें छुटकू फिर यहाँ पर एक्टिवेट हुआ हुआ है, मसला क्या छुटकू दे रहा। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इनको हमने चेंज करवाना था, लेकिन मैं अभी उनकी दुकान पे गया तो उनके दो दुकान पे थे ही नहीं, तो मैंने अब सोचा कि सुबह सवेरे जाऊँगा उनको पकड़ूंगा और वहाँ से मैं इनसे चेंज करा दूँगा, क्योंकि जो ये वाले मैंने लिए मैंने जो उन्हीं से लिए हैं। तो कल मेरा दोस्त किया था तो उसने कहा था कि ऐसा सीन हुआ हुआ है हमारे साथ, तो उन्होंने कहा था आप ले आना तो हम ना एक्सचेंज करके आपको दे देंगे। तो मैंने कहा गुड हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो बहुत खूबसूरत है वाला। हमारे रानी को देखें, ये सामने इधर बैठी हुई है और लड्डू ये इतना दूर बैठा हुआ है। अभी जैसे ही मैं दरवाज़ा मैंने खोला था ना, ये मेरे पास आ गए थे, दरवाज़ा बंद किया, डर के भाग गए। देखें अब डरते भी नहीं मेरे से, ऐसा वो चक ना काट देना। यहाँ से हम अपने किंग और क्वीन को भी पकड़ लेते हैं। और आज मैं बच्चों का बताता हूँ दोस्तों, सुबह सवेरे मैं आया ना इनको खाना देने, तो बच्चा मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं यहाँ पर कहीं नीचे घुस गया था, लेकिन बाद में ये खुद ही निकल आया बाहर की तरफ। मैंने कहा चलो गुड हो गया, खुद ही कहीं ना कहीं से एडवेंचर करके आ ही गया है। तो अभी हम पकड़ते हैं इसकी मदर को, और अभी हम पकड़ते हैं इसके माँ बाप को और बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो इनको पकड़ना, एक वो देखें दोस्तों वो इतना दूर जा चुके हैं, ये देखें दोस्तों ये तो मजीद ही आगे जा चुका है, और यहाँ पर ना खिड़की भी खुली हुई है, ऐसा ना यहाँ से उड़ जाए। और हमारा बेबी ना दोस्तों बहुत छातर हुआ हुआ है, अभी इसको हम बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ बुखड़ गएंगे और वो छुटको तो बहुत ज़्यादा मारता है इनको। और ये देखें पीछे मैं भी कहाँ ऊपर चढ़ा हूँ, और हमारे लड्डू रानी को देखें अंदर की तरफ आ गए। लड्डू रानी भाग जाओ, अभी मैं आप लोगों को खाना देता हूँ, सब्र कर जाओ। इन बेचारों को मैं थोड़ा सा खाना इनके लिए ले आया हूँ, जो कि ये खाएंगे अभी शौक से, और पानी भी इनके लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इनको यहीं पर रहने देते हैं। और बाहर मैंने अपने बुखड़ गेंग के लिए भी खाना शाना दिया हूँ, इनका खाना तो मैंने सुबह फिल किया था, पानी भी फिल किया था, तो इनका गुड है। और मैंने अपने बुखड़ गेंग को भी डाल दिया खाना, थोड़ा कुछ उधर डाला है कुछ इधर डाला है, ताकि ये मिलजुल के खाएं। और हमारा वो देखिए आप लोग दी डेट गेंग का, वो उधर जो कोने में जाके बैठ जाता है, फिर बाद में मिलता नहीं, फिर मेरे पीछे लगा रहे, देखिए हड्डी के पीछे लगा, हड्डी को छोड़ दे हड्डी को। यार दोस्तों यहाँ पर ये सारा मुका देंगे, सारा खत्म कर देंगे, उसके बाद जाके ये फिर आएगा एंट्री मारेगा अपना। क्या है ना, जो हमारे यहाँ पर बेबीज हैं, जैसे कि ये एक येलो कलर का है, और व्हाइट वाला भी डोली के अंदर है, और ये बल्कि डोली के अंदर नहीं, ये डोली के ऊपर ये छोटा सा बेबी, और ब्लू कलर वाला बेबी भी इसके अंदर है, तो वो भी हम बाहर की तरफ निकालेंगे और अपने हाथ पे बिठाएंगे। तो इनकी बात करें, ये भी बहुत जल्द अंडे दे देंगे इस सेटअप के ऊपर, क्योंकि इसका बार बार पिंजरा चेंज हो रहा था, इस वजह से ना ये स्ट्रेस कंडीशन। इसकी बात करें ना दोस्तों, इसने 4 अंडे दिए, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर इसके अंदर से भी बच्चे निकल आएंगे। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, इनमें से सिर्फ एक अडल्ट है जो ये ग्रे कलर वाला है, बाकी वो जो दो हैं वो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं। और ग्रीन वाली तो किंग साइज है, लेकिन वो छोटी ही है, सबसे बड़ा वाला ग्रे है, क्योंकि ये अडल्ट है, इसकी फीमेल को ना चूहे ने खा लिया था, इस वाली को। तो अभी बाहर की तरफ निकालते हैं हम अपने इस, पहले सबसे पहले तो इस येलो वाले को निकाल लेते हैं, उसके बाद व्हाइट वाले को निकालेंगे। ओहो ये आ गया ना हमारे हाथ पे, ज़बरदस्त हो गया। तो इसको ज़रा यार इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए दोस्तों, एक मुड़ नहीं रहा। और यहाँ से व्हाइट वाला भी हमने निकाल लिया अपने हाथ पे, और दोनों को अपने हाथों पे बिठाते हैं एक साथ। ये देखें, मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कहीं ये गिर ही जाए। देखिए येलो वाला जो कितने कॉर्नर पे आया हुआ है, और व्हाइट वाला अच्छा है, पीछे मुड़ के तो देख रहे हैं कि वीडियो बना रहा हूँ, मुड़ जाए इधर, लेकिन येलो वाला मजा लो कि दोस्तों इन तीनों बच्चों को मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया। इसमें जो ये येलो वाला है ना, तो ये बहुत हेल्दी हुआ हुआ है, और ये व्हाइट वाला थोड़ा बहुत है, लेकिन ये भी ठीक ही है। लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला है ना, इसकी आप हालत देख रहे हैं, लेकिन इस सही ग्रोथ अच्छी नहीं हुई भी। तो खैर अभी यहाँ पर ना हमने सेफ्टी भी रखी हुई है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर यहाँ में हाथ से टूटे तो सीधा नीचे ना गिर जाए, तो इस वजह से। तो अभी इसको वापस देखें, इसको वापस छोड़ देते हैं, ऐसा ना कुछ हो जाए बच्चों के साथ। बहुत जल्द ना हम इस जोड़े को भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना इसने अंडा ही तोड़ दिया, उसके बाद अंडा ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से ना इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, तो हम टोटो जोजो की जगह इनको ले आएंगे, और टोटो जोजो को ऊपर की तरफ ले आएंगे, नीचे मास्टर केज में रख देंगे। बेचारी हमारी रियो यहीं पर काटने पे आ रही है, यहीं पर बैठी रहती है, बाहर देखती रहती है नज़ारे से नज़ारे। और देखें आप लोग बाहर की तरफ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इतना खा खा के भी अभी भी जाली को चूंझे मार है।
इन्होंने ना तकरीबन सारा खा लिया है। तो अब ना एक काम करते हैं, इन सबको हम बंद कर देते हैं इनके अपने अपने पिंजरे में, क्योंकि आज अंडा नहीं दिया ना, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वाली मुर्गी पे। और मैं आप लोगों को एक और बात, तो वो देख रहे हैं वाली मुर्गी, ये जो ग्रे कलर की है ये वाली मुर्गी, लेकिन अभी ये शायद इसका साइज छोटा है, क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी ना बहुत जल्द अंडे, 3-4 दिन के अंदर ये भी अंडे देना स्टार्ट कर देगी, पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन जो मज़ा बहुत आएगा। और अभी ना हम इनको पकड़ते हैं, वाइपर हमारा किधर है, ये रहा हमारा वाइपर, तो इसको पकड़ते हैं और इनको बंद करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ पुत्रियों। दोस्तों यहाँ पर मैंने ना अपने तमाम उसको बच्चे को भी खोल दिया और यहाँ पर ना दाना भी इनका डाल दिया। चलो अब ना मैंने भुखड़ के इनको अपने तमाम को बंद कर दिया, इनको देखें कितनी फड़कड़ियाँ लगी हुई इन बेचारों को कि हमें भी बाहर निकालो। तो इनको बाहर अब मुश्किल है कि निकालूँ, बल्कि निकाल लूँगा ताकि पानी शानी पी लें, और इन्होंने भी पानी शानी पीना ही होगा, तो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लें। अब इनको पकड़ते हैं ना, और ये देखें दोस्तों कितना तेज़ हो चुका है हमारा इनका बेबी छोटा सा, इनको पकड़ते हैं और हमारी जो किंग और क्वीन है वो यहाँ पर है, इनको भी पकड़ते हैं और अंदर डाल देते हैं। इनको भी मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, बेबी को भी बंद कर दिया। अब हमारा बंटा और बंटी की बारी है, इसको बाय बाय करते हैं यहाँ पर, और जो हमारे लड्डू रानी हैं ये रहे, इनको भी बाय बाय करते हैं, बाय बाय। और अभी चलते हैं ना, आप अपने बंटा और बंटी को भी बंद कर देते हैं, ये फिर रहे हैं यहाँ पर, असल में इनका दरवाज़ा ही बंद है यहाँ पर, आ जाओ जाओ अब। चलो जी इनको भी बाय बाय करते हैं, इनको भी हमारे दीदी डी इनको भी बाय बाय करते हैं, और बुखड़ गए इनको भी बाय बाय करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।